क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से कॉलम इक्वल है जो एक जैसे हैं। ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स, ई मैट्रिक्स, एफ मैट्रिक्स, जी मैट्रिक्स एंड एच मैट्रिक, आई मैट्रिक एंड जे मैट्रिक। तो इक्वल मैट्रिक्स या बराबर मसावत कॉलम वो होते हैं जिनकी वैल्यू सेम हो। अब देखें, ए हमारे पास क्या है, पहला मैट्रिक्स ए ओनली थ्री है, सिर्फ इसके अंदर तीन है, एक एंट्री है। अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा कॉलम ऐसा है जिसमें तीन आता हो, चाहे उसमें प्लस हो चाहे उसमें माइनस हो। पहला हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है, ए इक्वल सी, ए इक्वल सी है। देखो ए में हमारे पास तीन है, अब पांच में से दो निकाल दिया तो हमारे पास तीन बच गया। सिंपल हम ये भी कह सकते हैं सी बराबर ए, या ए बराबर सी, या ए इक्वल सी, सी इक्वल ए। तो पहला पार्ट हमारा, पहले दो मैट्रिक्स ए और सी बराबर है। अभी सर हमारे पास ई और एच है, ई 4062, अब एच हमारे पास क्या है 4062, दोनों सेम है। तो इनका ऑर्डर भी सेम है, इनका मर्तबा भी, दो रो दो कॉलम, दो रो दो कॉलम, तो सेम सेम इनकी एंट्री है। तो इसका मतलब हुआ ई और एच दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, बराबर मैट्रिक्स हैं। अब उसके बाद है एफ और जी, देखते हैं एफ में क्या हमारे पास, दो और छ ये एक कॉलम है। अब जी में क्या, तीन में से एक निकाल दो, तीन में से तीन निकाल दो, ओ सॉरी तीन में से एक निकाल दिया दो बन गया, तीन जमा तीन क्या बन गया, छ हो गया। इसका मतलब हुआ कि एफ और जी दोनों बराबर है। अब इसी तरह हमारे पास क्या बच गया, आई है, आई देखते हैं, तीन तीन जमा दो पांच, ये तीन और पांच है, तीन और पांच है। अब उसमें बी देखते हैं, बी तीन और पांच, दोनों आई और बी, आई इक्वल बी या आई बराबर है बी के, या बी इक्वल आई, दोनों एक ही कंडीशन बनती है। अब दोनों हमारे पास आई और बी बराबर हो गए हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ आई है और ये डी है, आई मैट्रिक्स, यहाँ तीन पहले या तीन बाद में है, तो ये इनकी वैल्यू जगह चेंज है, तो ऑर्डर इनका भी सेम है, लेकिन यहाँ तीन पहले वहाँ बाद में, जो बराबर मैट्रिक्स नहीं है। अभी सर हमारे पास जे है, दो जमा दो चार, दो माइनस दो जीरो, दो जमा चार छः, दो जमा जीरो दो। अब ये हमारे पास जे एच और ई तीनों इक्वल है। अब ये हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ई और एच बराबर है तो फिर ई और जे ये भी बराबर है। तो इसी तरह हमारे पास एच और जे, एच और जे, एच एंड सो एच एंड इक्वल जे, ये भी हमारे पास बराबर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमारे यहाँ मुकम्मल हो गया।